नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग FTP सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे TrueNAS के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टोरेज के अंदर आएंगे, पूल्स के अंदर आएंगे। इसके अंदर मैं FTP के लिए अलग से एक डेटा सेट सेट कर रहा हूँ, टेस्ट FTP के नाम से, जिसको मैं डेटा सेट 100 GB का ले रहा हूँ और इसे सबमिट कर रहे हैं। तो ये मेरा डेटा सेट बन गया फॉर FTP। और जो है इसको मैं FTP सर्विस को पहले नेक्स्ट मुझे FTP सर्विस ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे सर्विसेज के अंदर जाना है, जिसके अंदर आप FTP को स्टार्ट करेंगे, ऑटो स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ एडिट में आएंगे। एडिट में आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि FTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट आपका 21 है, मैक्सिमम क्लाइंट लेवल 5 है, कनेक्शन 2 है, लॉगिन अटेम्प्ट 1 है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको अगर 10 क्लाइंट का चाहिए, इवन 10 कनेक्शन के साथ चाहिए, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद जो है ना, आप इसके साथ और भी TLS इनक्रिप्शन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। हम लोग इसे सेव करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले FTP के लिए यूज़र क्रिएट करेंगे। अकाउंट्स में आने के बाद यूज़र में आएंगे, यहाँ यूज़र की नाम देंगे डेमो FTP। इस यूज़र को हम लोग टेस्ट FTP का परमिशन देंगे और सबमिट करेंगे। अभी हम लोग ग्रुप्स के अंदर आएंगे, जिसके अंदर ऑलरेडी एक FTP नाम से आपका ग्रुप क्रिएटेड है। इसके मेंबरशिप में आएंगे और मेंबरशिप में जो है ये डेमो FTP जो यूज़र है इसे मैप करेंगे और सेव करेंगे। अब जब का FTP सिस्टम सक्सेसफुली रेडी हो चुका है, अभी हम लोग ड्राइव के अंदर आएंगे, विंडोज़ की जो डिफ़ॉल्ट एक्सप्लोरर है उसको ओपन करेंगे और FTP:// दे के आपका IP एड्रेस दे के अभी इसे हम लोग ओपन करने की कोशिश करेंगे। demo_FTP था यूज़र नेम जी। ये सक्सेसफुली आपकी जो है क्रिएट हो चुका है और सक्सेसफुली लॉगिन भी हो चुका है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है फोल्डर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, आप इसके अंदर फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और कुछ भी फाइल्स अगर आपको यहाँ रखना है तो आसानी से आप रख सकते हैं और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए इसे आप यूज़ कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक स्टोरेज पूल बना के FTP सर्विस को एनेबल करके कैसे इजीली FTP सर्वर बना सकते हैं इन हाउस बाय TrueNAS। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में हम लोग TrueNAS की और भी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।